देखिए फ्रेंड, ये है, इसको छोटी मशीन बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर गोला लगा होता है। ये चलते चलते अचानक आवाज करने लगी। ध्यान से सुनिए इसका आवाज, और ये थोड़ा सा जाम चल रही है। जब सिलते सिलते मशीन इस तरीके से आवाज करती है और थोड़ा सा जाम हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो नाल होता है, उस नाल में कचरा आ गई है, जाली में कचरा आ गई है। नाल में जाली लगी होती है, नाल और जाली के बीच कचरा फंस जाने से इस तरह का आवाज आती है। तो मैं आइए आपको बताता हूँ, जब इस तरीके से मशीन आवाज करे तो उसको साफ कैसे करें, कचरा कैसे निकालें। सबसे पहले मशीन को इस तरीके से बेल्ट को निकाल लें। ये बेल्ट को इस तरीके से निकाल लें तो ये बेल्ट जो है इस तरीके से लूज हो जाएगा। इसको यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए, एंड इसके बाद मशीन को यूं उल्टा कर देते हैं। अब इसके बाद ये जो नाल दिख रहा है, इसमें दो नट लगे हुए हैं यहाँ पर। इसको खोल लेते हैं इस तरीके से। किसी किसी मशीन में ज़्यादा टाइट लगा हो तो थोड़ा ताकत ज़्यादा लगाना पड़ सकता है। ये तो ये खुल जाएगा इस तरीके से। अपने साइड घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, एंड उस तरफ आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये ढीला हो जाएगा। इस तरीके से घुमा के इसको निकाल लेना है। ये बहुत ही आम बात है कि कभी कभी हम जब सिलाई करते रहते हैं तो सिलते सिलते इसको नट खोलने के बाद सुई को हमेशा ऊपर की तरफ रखना है। सुई ऊपर रहेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सुई अभी ऊपर है, सुई को ऊपर रखना है, एंड इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है, लेकिन सुई ऊपर रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद इस नट को खोलिए। और ये जो हटा दीजिए, अब इसको निकालिए। इसको देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कचरा फंसा हुआ है। इसी के वजह से, इस थोड़े से कचरे की वजह से मशीन जो है आवाज कर रही थी। अब इसको हम साफ कर लेंगे। पहले हम इसको पूरा निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये अभी साफ है, यहाँ पर तो कोई कचरा नहीं है। इधर रख देते हैं, एंड यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कहीं पर कचरा तो नहीं है। वैसे ये खुल गई है तो पूरा साफ करेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो यहाँ अंदर भी कचरा फंसा हुआ रहता है, इसको निकाल लेना है, अच्छे साफ कर लेना है, कोई भी कचरा ना रहे। ये साफ हो गया। इसके बाद ये होता है जाली, इसको भी साफ कर लेते हैं। ये होता है, ये भी एक नाल है, घोड़े की नाल की तरह, इसको साफ कर लेते हैं ऐसे।
साफ हो गया, अब अच्छी तरीके से साफ होने के बाद ये जो होता है ये है सीधा, और ये जो है ये हमारे सामने की तरफ होना चाहिए। तो इसको ऐसे उल्टा करते हैं और इसको यूं रख लेते हैं। ये यहाँ पर अच्छे से घूमना चाहिए, ऐसे देख लीजिए, ये फ्री घूम रही है। रखने के बाद साफ हो गया, इसलिए एकदम फ्री घूम रहा है, आसानी से एकदम स्मूथ है। अब इसके बाद ये जो छोटा नाल है उसको यहाँ लगा देते हैं, ये सब। अब इसके बाद इसका जो ब्रेकर है इसको रोक के रखता है यहाँ पर, इसको टाइट कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जब हम यहाँ पर रख के लगाएंगे तो ये ऊपर उड़ जाता है। इसको अपने हाथ पे रखिए ऐसे, तो यहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है, और इसको ऐसे रखिए तो यहाँ पर ये अच्छे से रखा जाएगा। अगर हम इस पर रखेंगे तो ये ऊपर उड़ जाता है, टाइट नहीं होगा। टेबल पे रख के टाइट नहीं करना है, पहले ऐसे हाथ में रखिए ऐसे, फिर नाल लगाइए, फिर ब्रेकर लगाइए यहाँ पर ब्रेकेट, एंड इसको इस तरीके से टाइट कर दो। थोड़ा अच्छे से टाइट करना है, ये लग गया। अब ये देखिए बहुत ही स्मूथली काम कर रहा है। इसमें ऑयल डाल देते हैं, बहुत हल्का सा ऑयल डालना है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यस, अब जब हमको इसमें लगाना है मशीन पे, तो इसको इस तरीके से ये देखिए ऐसे रखना है, और यहाँ पर उंगली रखना है ये ऐसे इस अवस्था में, इसको ऐसे ही रखे रहना है। और ये जो है इसका जो आधा नाल है, ये देखिए ये जो घूम रहा है उसको ऐसे नीचे की तरफ रखना है, और ये उसके सामने आएगा। अब इसको यहाँ पर रखना है, हल्का सा घुमाना है ऐसे, जब ये अपनी जगह पर फिट हो जाए तो इसको जिस अवस्था में यह टाइट था वहाँ पर रखना है, और धीरे से हल्का सा चक्का घुमा के देखना है कि सुई आसानी से नीचे आ रही कि नहीं, कोई चीज़ इसमें टकरा नहीं रहा है, तो ठीक लगा हुआ है। और सुई को ऊपर रख के इसको टाइट कर लेंगे। अब पूरे मशीन पर अच्छे से ऑयलिंग कर लेंगे, यहां जहां जॉइंट है ऐसा, फिर बेल्ट लगा लेंगे, तो यहाँ पर ऑयल का पॉइंट दिया हुआ है वहाँ पर ऑयल डाल देंगे। और ये इसका सामने का फेस खोल के है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है, पर एक बूंद से भी कम ऑयल डालना है यहाँ पर, ऐसे डाल देंगे। बहुत कम तेल डालना है तो तेल जो है नीचे बह जाएगा और कपड़े में लगेगा। इसका फेस जो है यहाँ पर बेल्ट लग गया, अब इसको चला के देखेंगे। तेल डालने के बाद मशीन को हल्का हल्का थोड़ी देर चलाना है,
देखिए इसका आवाज कम हो गया है, मशीन की जो सामान्य आवाज होती है वैसे ही आवाज आ रहा है। अब जा वहां सब साफ कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और कपड़े में ना लगे। तो इस तरीके से हम अपना मशीन साफ कर सकते हैं। और ये हमारी जो मशीन है फ्री हो चुका है। ओके, थैंक यू।